ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष चैत्र मास संकष्टि चतुर्थी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश भगवान के 11वें रूप भालचंद्र की पूजा की जाती है। भालचंद्र का अर्थ है जिसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा का संबंध इस संसार के सभी प्राणियों के साथ है। चंद्रमा को सिर पर धारण करने से श्री गणेश भगवान अपने शांत शरीर के साथ सुख और शांति का वातावरण बनाते हैं। इसलिए चैत्र मास की संकष्टि को भालचंद्र संकष्टि चतुर्थी कहा जाता है। गणेश भगवान का यह रूप मनुष्य को शांत मन और समझदारी के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। यदि मनुष्य शांत मन और पूरी सूझबूझ के साथ कार्य करता है तो वह अपनी जिम्मेदारियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से निभा सकता है और निश्चित रूप से हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। भालचंद्र का एक और आंतरिक अर्थ है। चंद्रमा ब्रह्म ज्ञान को जानने में सिद्ध है। चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करने से श्री गणेश भगवान ने ब्रह्मा के संपूर्ण ज्ञान को संग्रहित कर लिया और प्रथम स्थान पर पूजा का सम्मान प्राप्त किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संकष्टि का व्रत करने से विघ्नहर्ता गणेश भगवान जीवन में चल रही सभी परेशानियों और बाधाओं को दूर करते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जब मन संकटों से घिरा हुआ महसूस करे तो संकष्टि चतुर्थी का व्रत बहुत लाभकारी है। इस व्रत को करने से धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन तथा निरोगी काया की प्राप्ति होती है। इस वर्ष 2021 में चैत्र मास संकष्टि चतुर्थी मार्च 31, 2021 को दोपहर 2:06 पर शुरू होकर 1 अप्रैल 2021 को सुबह 10:59 तक रहेगी और 31 मार्च को चंद्र उदय का समय रात को 9:39 पर है। संकष्टि चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा को अर्घ देने का विशेष महत्व है। चंद्रमा को अर्घ दिए बिना संकष्टि चतुर्थी का व्रत पूर्ण नहीं होता। आइए अब शुरू करते हैं चैत्र मास संकष्टि चतुर्थी की कथा। बोलो गणेश भगवान की जय। एक समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती तथा गणेश भगवान विराजमान थे। तभी वहां 12 मास की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल पड़ा। इसी बीच पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए? उनके पूजन का क्या विधान है, मुझे विस्तार से बताएं। तब गणेश जी ने कहा, हे मातेश्वरी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूरा दिन व्रत रखकर रात में षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रतधारी को दूध, दही और देसी घी का सेवन करना चाहिए। यह व्रत सभी संकटों का नाश करता है। चैत्र संकष्टि के दिन शुद्ध घी के साथ बिजोरे और नींबू का हवन करने से निसंतान को संतान प्राप्त होती है। हे शैल पुत्री, चैत्र संकष्टि का इतिहास बहुत विचित्र है, मैं उसे आपको कह रहा हूँ। चैत्र संकष्टि की कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य को सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। सतयुग में मकर ध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। वह अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन करते थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते थे और प्रजा को चोर डाकू आदि का भय नहीं था। राजा मकरध्वज के राज्य में प्रजा स्वस्थ और संपन्न रहती थी। सभी लोग उदार, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा मकरध्वज की कोई संतान नहीं थी। बहुत समय बाद महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को पाकर राजा मकरध्वज बहुत खुश हुए और वह अपना पूरा समय राजकुमार के पालन पोषण में व्यतीत करने लगे। उन्होंने राज्य का सारा कार्यभार अपने मंत्री को सौंप दिया। राज्य का शासन हाथ में आ जाने के कारण उनके मंत्री धन धान्य से समृद्ध हो गए और मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तब मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ
और वह सब राजसी ठाठ बाट से रहने लगे। उस मंत्री के सबसे छोटे बेटे की बहू बहुत ही शांत स्वभाव की तथा धर्म परायण स्त्री थी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भक्ति पूर्वक गणेश भगवान की पूजा की। उसका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे यह क्या जादू टोना कर रही हो, तुम मेरे पुत्र को अपने वश में करने का उपाय कर रही हो, यह सब छोड़ दो। सास के बार बार मना करने पर भी जब बहू नहीं मानी तो सास ने कहा, अरे दुष्टा, तू मेरी बात नहीं मान रही, तू कितनी जिद्दी है, मैं तुझे अभी पीट कर ठीक कर दूंगी, मुझे यह जादू टोना पसंद नहीं है। तब बहू बोली, सासू जी, मैं संकट नाशक गणेश भगवान का व्रत कर रही हूँ, यह व्रत अत्यंत फलदायक होता है। बहू की बात सुनकर सास वहाँ से चली गई और अपने पुत्र से कहने लगी, हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोना करने पर उतारू हो गई है, मेरे कई बार मना करने पर भी वह मान नहीं रही, तुम इसे मार पीट कर ठीक कर दो, मैं गणेश जी को नहीं जानती, वह कौन है और उसका व्रत कैसे होता है, हम तो राजघराने वाले हैं, हमें क्या कष्ट है जो यह हमारी रक्षा करेंगे। अपनी माता की बातों में आकर छोटे बेटे ने अपनी बहू को बहुत मारा, इतनी पीड़ा सहकर भी उसने पूरे विधि विधान से गणेश भगवान का व्रत किया। पूजा करने के बाद वह गणेश भगवान को याद करती हुई उनसे प्रार्थना करने लगी, हे गणेश भगवान, हे जगतपति, हे गजानन, मेरे सास ससुर आपको नहीं जानते, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे उनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो जाए। तब गणेश जी ने सबके देखते ही देखते राजा मकरध्वज के पुत्र का अपहरण करके मंत्री के महल में छिपाकर रख दिया और बाद में उसके वस्त्र आभूषण आदि उतारकर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा मकरध्वज अपने पुत्र को ना पाकर बहुत परेशान हो गए। वह अपने पुत्र को पूरे राजमहल में ढूंढने लगे परंतु उन्हें कोई उत्तर ना मिला। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा कि क्या मेरा राजकुमार यहाँ आ गया है, महल में उसके सभी कपड़े और आभूषण तो हैं, लेकिन वह नहीं है, ऐसा निंदनीय कार्य किसने किया है, हाय मेरा पुत्र कहाँ चला गया। राजा मकरध्वज की बात सुनकर मंत्री बोला, राजन आपका चंचल पुत्र कहाँ चला गया, मुझे इसका कुछ नहीं पता, मैं अभी सारे नगर में बाग बगीचे आदि सभी स्थानों में खोज करवाता हूँ। इसके बाद राजा नौकरों और सेवकों से कहने लगे, हे मंत्रियों, हे अंगरक्षकों, मेरे पुत्र का पता लगाओ। राजा का आदेश पाकर सभी लोग राजा के पुत्र को ढूंढने के लिए निकल पड़े। जब राजकुमार का कहीं पता ना लगा तो सबने आकर राजा से डरते डरते निवेदन किया, महाराज अपहरण करने वालों का कोई सुराग नहीं मिला और किसी ने भी राजकुमार को आते जाते नहीं देखा। उनकी बातों को सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। मंत्री के आने पर राजा ने कहा, मुझे साफ साफ बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है, उसके कपड़े और आभूषण तो दिख रहे हैं, केवल वही नहीं है, अगर मेरा पुत्र नहीं मिला तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम्हारे पूरे कुल को नष्ट कर दूंगा। राजा द्वारा इस प्रकार डांट पड़ने पर मंत्री हैरान हो गया। तब मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मैं पता लगाता हूँ, हमारे नगर में कोई भी चोर या डाकू नहीं है, हे प्रभु पता नहीं किसने यह नीच कार्य किया है और ना जाने राजकुमार कहाँ चले गए। तब मंत्री ने अपने महल में आकर अपनी पत्नी और अपने पुत्रों से पूछा, अपनी सभी बहुओं से भी पूछा कि यह कर्म किसने किया है, यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा हमारे पूरे वंश का नाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू बोली, पिताजी आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं, आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसलिए आप गणेश भगवान की आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के सभी स्त्री पुरुष संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करें तो गणेश भगवान की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे, मुझे गणेश भगवान पर पूरा विश्वास है। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा, हे बहू तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार करोगी, गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है, हे सुलक्षणी कृपा करके हमें विस्तार से बताओ, मैं मंद बुद्धि होने के कारण व्रत के महात्म्य को नहीं जानता,
हे कल्याणी, हम लोगों से जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा कर दो और राजकुमार का पता लगाओ। तब राजा सहित सभी प्रजाजनों ने गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया, जिससे गणेश भगवान प्रसन्न हो गए। सब लोगों के देखते ही देखते गणेश भगवान ने राजकुमार को वहां पर प्रकट कर दिया। राजकुमार को देखकर सभी नगरवासी हैरान हो गए और खुश भी हुए। राजा की खुशी की तो सीमा नहीं रही, आखिर उनका इकलौता पुत्र जो मिल गया था। तब राजा ने खुशी के मारे जोर जोर से गणेश भगवान की जय जयकार की और कहा, गणेश भगवान धन्य है और साथ ही मंत्री की कल्याणी बहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के पास से लौट आया है। उसके बाद सभी लोग इस संतान दायक व्रत को विधि पूर्वक करने लगे। बोलो गणेश भगवान की जय। तब गणेश जी बोले, हे माता, चैत्र संकष्टी चतुर्थी के व्रत से बढ़कर कोई अन्य व्रत नहीं है। इसी कथा को श्री कृष्ण भगवान ने एक बार युधिष्ठिर को भी सुनाया था और चैत्र कृष्ण चतुर्थी का व्रत करके युधिष्ठिर ने अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया। इस प्रकार चैत्र कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की कथा पूर्ण हुई। ओम गणेशाय नमः। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश भगवान लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय गणेश भगवान।